नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पासपोर्ट साइज़ की बहुत सारी फ़ोटो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे सामने फ़ोटोशॉप ओपन है और यहाँ पर एक हमारे पास फ़ोटो है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले फ़ोटो को सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रॉप कर लेना है। तो क्रॉप हम क्या करेंगे, इस वाले टूल से, यहाँ जो एक टूल होता है इस वाले टूल को क्रॉप टूल कहते हैं। तो यहाँ से हम इस फोटो को क्रॉप कर लेंगे। तो हम इसे कर लेते हैं सबसे पहले क्रॉप, जितना आपको सुटेबल लगे आप उतना क्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया क्रॉप और अब हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे। ये हमने कर दिया ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया पेज ले लेंगे। तो पेज हमारा फाइल में जाएंगे हम और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, प्रीसेट साइजेस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है 4x6, क्योंकि हमारी जो फ़ोटो होती है वो बेसिकली 4x6 के पेपर में ही बनाई जाती है पासपोर्ट साइज़ की। तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं और इसे हम कर देते हैं ओके। ये हमने कर दिया। अब हम इसे करेंगे ऐसा थोड़ा साइड और अब हम क्या करेंगे, इस वाले टूल, इसे कहते हैं मूव टूल। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ कर इस पर लेके आएंगे। तो ये अभी उठ के आ नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या इस वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से इसे क्या करेंगे, इतना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर से मूव टूल में जाना है। मूव टूल से हम इसे उठा के यहाँ पर ला लेंगे। ये हमने ला लिया। अब हम इसे कर लेंगे बड़ा। तो बड़ा करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा सेट कर लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, हमें शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और अपने माउस से इसे बड़ा करना है। तो ये दोनों साइड से बराबर बड़ा होगा, लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर बड़ी होंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस और आपका जो लेफ्ट साइड माउस की बटन को दबाना है, तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो गया। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इसे हल्का सा छोटा कर लेंगे। ये हमने कर लिया इसे छोटा। अब हम क्या करेंगे, इस पर लेयर डाल देंगे। तो लेयर डालने के लिए आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से आपको लेयर स्टाइल में जाना है और फिर जाना है आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। ये हम आ गए ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें मिलता है स्ट्रोक, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर में हमारे पास जो भी कलर है वो हमारे फ़ोटो पर दिखाई देने लगेगा, हमारे फ़ोटो के चारों तरफ। तो ये हमें दिखने लगा अभी रेड, तो हम इसे कर देते हैं कलर में जाकर। यहाँ से हम कर देंगे इसे ब्लैक। तो हमने यहाँ ब्लैक सेलेक्ट कर दिया। अब हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो साइज है ये लिखा है स्ट्रोक और यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर, उसी के नीचे लिखा है साइज़। तो साइज में हमें जाकर यहाँ पर क्या करना है, सिंपली से इसे हटाकर यहाँ पर 5 लिख देना है और हमें कर देना है ओके। तो ये हमने कर दिया ओके। ये हो गई हमारी फ़ोटो एक तैयार। अब हमें क्या करना है, इसी फोटो के बहुत सारे पार्ट बनाना है। तो पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, अल्टर को प्रेस करना है और इसे यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने अल्टर को दबा के रखा तो अभी हमारी जो फ़ोटो है कॉपी हो गई है बिल्कुल। तो हम फिर से एक और बार कॉपी करेंगे तो अल्टर को प्रेस करके रखेंगे और इस पर क्लिक करके इसे उठा के रख देंगे हम यहाँ पर। ये हमने रख दिया। अब हम इसे क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो छोटा करके हम देख लेंगे ये किस तरीके से दिख रहा है। तो ये देखिए, तो अभी हम इसे क्या कर लेंगे, थोड़ा सेंटर में कर लेंगे। तो हम इसे फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए आप बहुत सारी शॉर्टकट होते हैं, तो कंट्रोल के साथ आप प्लस बटन दबाकर भी बड़ा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं थोड़ा सा सेट। तो ये हम इसे खसकाते हैं और यहाँ पर भी हम इसे थोड़ा सा खसकाएंगे और ये हमने इसे कर लिया सेट। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, नीचे भी इन फोटो को ला लेना है। तो हम फिर से अल्टर का यूज़ करेंगे। अल्टर से हम इसे पकड़ के नीचे कुछ इस तरीके से ला लेंगे। ये हमने रख लिया और ये हमने रख लिया, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लेयर यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हमने इसे यहाँ पर रखा, फिर उसके बाद यहाँ रखा हमने और ये एक और लेयर रखा। अब हम नीचे देख लेंगे जगह है, तो हमारे पास पर्याप्त जगह है। हम एक पेज में, हमारे 4x6 पेज में हम कम से कम 12 तो फोटो बना ही सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमने फिर से रखा उठा के और ये हमने फिर से रखा उठा के ये। अब हम इसे क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो कंट्रोल के साथ माइनस। तो ये देखिए, ये हमारी जो 12 फोटो थी वो बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका प्रीव्यू देख लेंगे, प्रीव्यू कैसा दिखता है। प्रीव्यू देखने के लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जाना है, प्रिंट विथ प्रीव्यू। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको आपका साइज़ दिखेगा। तो आपको ये अभी आपको बिल्कुल गलत दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्केल टू फिट मीडिया। तो जैसे ही हम स्केल टू फिट मीडिया पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल साइज़ में हमें प्रीव्यू दिख रहा है वो हमें दिख जाएगा। अब हम इसे कर देंगे कट और इसे हम कर लेंगे सेव। तो हम यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे सेव एस। तो सेव एस करने के लिए हमें क्या लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन में हम दे देंगे डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में देने के बाद हमें यहाँ पर जहाँ
फोटोशॉप लिखा है, यहाँ पर हमें देना है JPEG, इस वाले फॉर्मेट में हमें सेव करना है और साथ ही हमें क्या करना है, यहाँ पर नेम लिख देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे माई फोटो 4x6 और इसे हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया सेव। अब यहाँ पर ये क्वालिटी पूछेंगे या क्या आप इसी क्वालिटी में रखना चाहते हैं या ऐसे कम ज़्यादा करना चाहते हो, तो हम यहाँ पर क्वालिटी हमारी जो है 12 ही रखेंगे और हम इसे कर देंगे ओके। और अब हमारी फ़ोटो हो गई है सेव। तो अब हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर चले जाएंगे। तो हम यहाँ से चले जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे। तो हम चले गए माई कंप्यूटर में और माई कंप्यूटर में जाने के बाद हम चले गए डेस्कटॉप पे। और अब हमने जो हमारी फ़ोटो बनाई थी माई फोटोज 4x6 और इसको हम ओपन करके देख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे ओपन विथ और इसे हम कर लेंगे विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर, इस पर हम व्यू कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने अभी फ़ोटो बनाई थी पासपोर्ट साइज़ की, तो ये फ़ोटो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा देना।